टर्म शुरू होने का आज पहला दिन है और तुमने अभी से शरारतें शुरू कर दी। तुम स्कूल के लिए ही नहीं, इस देश के लिए भी एक अपमान हो, एक नक्काल हो तुम। यू आर रियली अ बफून। आज पूरा दिन तुम ये टोपी पहनकर रहोगे, आइंदा तुम्हारी कोई शिकायत सुनने का मौका ना मिले। डू यू अंडरस्टैंड मी? गेट आउट। प्रदीप मेनन, कम हियर। डोंट रिपीट दिस सर। यस, व्हाट डू यू वांट? इंग्लिश क्लास में जाने का रास्ता कौन सा है? आंट यू इन 12th बी? यस सर। इस लड़की को क्लासरूम का रास्ता बताओ। सर, इसके साथ कैसे? एक नई लड़की भी तुझे लफंगा समझती है। एनीवे, टेक हर टू द क्लास। हाँ, अगर इसने कोई बदतमीजी की तो यू रिपोर्ट टू मी। यस सर। कैरी ऑन प्रदीप। देखो जोकर, जोकर आ रहा है, मजा आ रहा है। तुम्हारा नाम प्रदीप है ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेमतलब के ये सब तुम पर क्यों हंस रहे हैं? आई मीन यू आर ए हैंडसम फेलो। अब तुम ये टोपी पहन कर तो बिल्कुल सिल्वेस्टर स्टैलन लग रहे हो। मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी लग रही है, हमेशा इसे पहन कर ही चलना, बुद्धि तुम्हारी खुलती जाएगी। चल चल। ऐसे तो बोल मत, हेडमास्टर को कंप्लेन करूंगी। चुप कर बंदरिया। असली बंदर तो तू ही है, भूल गया जो असेंबली हॉल में। हाउ वुड यू रिएक्ट इफ एन एजुकेटेड एबल यंग मैन वाज डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग मेयरली बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन? व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन हिज पोजीशन? वुड यू एक्सेप्ट? Silence, please. Are you trying to be funny? No, miss. Headmaster ने पहनने के लिए कहा है। जो भी हो, तुम इसमें जज खूब रहे हो। जाओ बैठो। Boys and girls, I want to introduce Daisy Thomas. Daisy दूसरे स्कूल से इधर आई है। She was known for her academic brilliance.
डेजी एक अच्छी गायिका भी है, वी वेलकम हर। Now, would you fight the injustice yeah. done to Dekha, you? मुझे आँख मारती Bear है. Bear this question in mind while reading the passage that follows. I will fix her. She had greatly believed in a world where black and white coexist in peace. She is really beautiful, dirty girl. Pradeep Menon, will you shut up? वरना मैं ये टोपी ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे सर पर डाल दूँगी. Silence, please. डेजी, टोपी तुझे घूर घूर कर देख रहा है, जाने क्या बात है? कुछ नहीं, he thinks he's too smart. मैंने भी एक डोज दे दी. अच्छा हुआ, he thinks he's very funny. लास्ट ईयर उसने बेचारी रोजी को भी रुलाया था. क्यों? रोजी कितनी मोटी है मालूम है ना, प्रदीप उसे हमेशा चिढ़ाता था. जैसा भी हो, मेरे साथ उसका कोई खेल चलने वाला नहीं. हैंडलिंग प्रदीप, हैंडलिंग कैसे टैकल करना है तुझे पता नहीं, यही तेरी प्रॉब्लम है. हाँ, तो तू इसका सामना करके दिखा. आई एम जॉन द बैप्टिस्ट. यस, प्रेम की कला में मैं तुम्हारा बैप्टिज्म कर दूंगा. मुझसे ढंग से बिहेव नहीं किया तो मैं ही तुम्हारा बैप्टिज्म कर दूंगी. हाँ क्या समझती खुद को? माँ की मौत पर तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा ना? लेकिन माँ चाहती थी कि मैं उसके बारे में सोचकर कभी भी दुखी ना हूँ. जो भी संकट आए उसे मैं हंसते हंसते सह लूं. माँ ने मुझे सिखाया है. माँ की मौत से बिल्कुल अकेली हो गई थी मैं. सिर्फ आया लक्ष्मी थी मेरी देखभाल करने को. और बड़े भैया एक क्रॉनिक बैचलर, अब कनाडा में है. ओ ही सच ए डार्लिंग. और डैडी? बिजनेस की तरक्की के सिवा पापा को काम में समय नहीं मिला, इसलिए पापा ने ये स्कूल में डाला. डेजी, तू गाती है ना, टैलेंट कॉन्टेस्ट है, तू उसमें भाग ले प्लीज. मैं नहीं, वो नहीं चलेगा, तुझे गाना ही है. Hey, डेजी गाने वाली है, she is going to sing. Mom.
Thank you, students. That was lazy. The next item is... तुम्हारे पिताजी और मैं इसी स्कूल में पढ़े हैं, 7 साल, वो भी एक साथ बैठकर। बालकृष्ण मेनन इस स्कूल का सबसे ब्राइट स्टूडेंट था। अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो उन्हें आज ही बुलाकर तुम्हें उनके हवाले कर देता, लेकिन आज बालन नहीं है ना, इसलिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो इस साल तो मुझे सहना ही होगा। सर मैं तुम्हारे अंकल शहर में है? यस सर। ये लेटर तुम उन्हें दे देना। मैं तुम्हारे स्कूल में नहीं आ सकता, मुझे कल दिल्ली जाना होगा, एक हफ्ते बाद ही लौटूंगा। अंकल हाँ, मैं एक खत देता हूं, वो प्रिंसिपल को दे देना। तुम्हारे पिता ने आखिरी समय में मुझसे एक बात कही थी कि मेरे बेटे का तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, मगर जिंदगी में मैं अपने आप को ही संभाल नहीं सका। तुम्हारी जिम्मेदारी अगर मैं संभालना भी चाहूं तो भी मैं संभाल नहीं सकता। तुम्हारे पिता को दिया हुआ वचन निभाने के लिए तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। ए प्रदीप, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा, तू था कहाँ? हेडमास्टर को मिलने वापस आया तो तुम लोग नहीं थे, तो फिर ऐसे ही बाहर निकला। हेडमास्टर ने क्या बोला? क्या कहेगा, यूजुअल वार्निंग। बट हु द हेल डज शी थिंक शी इज, दैटी पिच। ओह व्हाटएवर यू से, शी इज जस्ट ब्यूटीफुल। तू उसी के गुण का। हाँ, लेकिन मेरे साथ कोई नाटकबाजी की तो आई विल टीच यू लेसन। हो गया है तू मुन्ना। प्रदीप, ये मिस्टर रवि हैं। हेलो। मैंने तुझे लिखा था ना बेटे, मिस्टर रवि लेक के पास एक कॉटेज लेने वाले हैं। मुन्ना तुम अब अपनी माँ के पास रहो। मैं नहीं आऊंगा, आई वॉन्ट कम, गेट लॉस्ट। अब वो सचमुच बड़ा हो गया है। Nonsense is this? I'm asking you, what nonsense is this? Sir, मैंने नहीं किया। Shut up!
मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। मिस्टर चक्रवर्ती, इसे अपना स्कूल कॉरिडोर साफ करने दो एज अ पनिशमेंट। व्हाट अबाउट बाथरूम सर? नो, दिस टाइम ओनली कॉरिडोर। अब मैं सचमुच गुनहगार हूं, जा कंप्लेन कर। देख लिया मेरा अंदाज, अरविंद के साथ खेलने का मजा। प्रदीप, I'm very sorry. You get lost! मैं तो सचमुच डर गई थी, बिल्कुल पागल लग रहा था। गुस्से आने पर तो कुछ भी कर सकता है। तू अब प्रदीप के सामने मत जाया कर। हाँ मुझे पता है प्रदीप कितना भी शरारती हो पर वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। बदमाश तो वो अरविंद ही है। फिर भी प्रदीप को ऐसा नहीं करना था। छी, वो भी सबके सामने। अच्छा, मतलब कोई नहीं देखता तो तू कंप्लेन ही नहीं करती। तू कितनी कमजोर हो गई है। चिट्ठी मिली? आई तो इसीलिए हूँ बेटी। यहाँ कहाँ ठहरी हो तुम? मुकेश अभी ट्रांसफर होकर यहाँ आया है, यहाँ उसी के पास आई हूँ आज ही। इधर आने के बाद आप लोगों की कितनी याद आती है मुझे, रात को तो उठकर रोने भी लगती हूँ। क्या है बोलो। बेटे तुम्हें लेने नहीं आई हूं, सिर्फ देखने आई हूं। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, आज मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें भी करनी है। मैं लो ये स्वीट्स अपने दोस्तों में बांट दो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आपका यहां मिलने आना भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा बेटा है, बहुत गुस्से वाला है। काव्यानुभूति, ये तुम सबने अनुभव किया होगा। जब तुम जयशंकर प्रसाद, रसखान, मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं पढ़ते हो तो हमें जो 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 अनुभूति मिलती है उसी को कविता कहते हैं। यस कैटिन, ये क्या है? प्रदीप की माँ ने दी है। क्यों? आज प्रदीप का बर्थडे है। हाँ तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया? Happy birthday to you,
इसको आज मैं अकेली ही ले जाती हूँ। बेबी अभी भी आपको सीखना है। नहीं नहीं, सीखना क्या है? बेबी जरा संभाल के देख के। अरे क्या बात है? क्या हुआ बताओ तो। डेजी घोड़े के ऊपर से गिर गई। डेजी मैंने गिरा दिया। तुम पागल हो। मैं और स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं ना। तुम अभी नॉर्मल नहीं हो, कुछ रेस्ट ले लो। मैं जाकर देखता हूँ क्या। चलो डेजी स्कूल हॉस्पिटल में एडमिट की गई है। डरने की कोई बात नहीं है, मामूली चोट है, ठीक हो जाएगी। अंकल लेकिन उसने तो तुम्हारे बारे में शिकायत नहीं की, अपनी गलती से गिर गई यही उसने सब लोगों को बताया। लेकिन मैं वो सब तुम्हारा वहम है, तुम्हें तो बुखार है। ओके यू रेस्ट फॉर सम टाइम। Hey, come on, let's go. Hey, look, Pradeep! Hey, Pradeep! तू अब तक कहाँ था? चलो हम घूमने चलते। मैं नहीं आ सकता, मुझे हिस्ट्री सर से मिलना है। उसे आज क्यों हिस्ट्री सर से मिलना है? हिस्ट्री सर तो आज छुट्टी पर है। Let's follow him. वो कहाँ जा रहा है? चलो हम लोग देखते हैं। डेजी हाँ? कोई विजिटर? मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, बट नाउ आई एम सॉरी डेजी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। बहुत चोट लगी? हाँ चोट लगी, इधर इधर इधर। मैं तो मर जाती थी। मगर कोई बात नहीं। लड़की नाम पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये किसने हमें बताया? प्रदीप मैडम। फालतू बेकार में लड़कियों के साथ घूमने फिरने बकबक करने टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये किसने हमें कहा था? प्रदीप मैडम।
और अभी हमें भी नहीं बताकर डेजी नाम की एक लड़की से मिलकर कौन आया? कभी झूठ नहीं बोलने वाला प्रदीप द ग्रेट 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 मैन। प्यार शुरू हो ही गया तो बम का क्या फायदा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम। बेहोशी के बाद जब जूलियट होश में आती है तो उसे मरा हुआ रोमियो दिखाई देता है। वो रोमियो के सीने से छुरा निकालकर अपने सीने में उतार लेती है और जूलियट भी रोमियो के ऊपर गिरकर दम तोड़ देती है। जीकर तो साथ नहीं रह सके लेकिन मरकर साथ हो गए। क्या कहानी पसंद आई? यस सर। गुड। इस बार आर्ट देखो, हम सब यही नाटक खेलेंगे। अच्छा? यस सर। हाँ ओके। जूलियट का पार्ट कौन करेगा? साइलेंस। डेजी ही जूलियट। अब रोमियो का पार्ट कौन करेगा? सर मैं करूंगा सर। कहाँ कहानी ढूंढा तुम्हें? मुझे क्यों ढूंढ रही हो? मैं तो रोमियो नहीं हूँ। ओह, तो ये बात है। इसलिए कल मेरा इंतजार नहीं करके बड़े रुआब के साथ चले गए थे। हंसो मत। ओके, नहीं हंसती। ए प्रदीप, मैं जूलियट वूलियट नहीं बनने वाली। हा? मैं अरविंद के साथ ड्रामा करूंगी। तूने सच में सोच लिया क्या? हाँ। अभी से जलन क्या? ऐसा नहीं, पल भर के लिए मैं अकेला हो गया था तेरे बिन। इतनी अच्छी लगती हूँ मैं? हाँ। प्रदीप मुझे भी। ये मौसम ये बादल तेरी खुशबू करे पागल, ये मौसम ये पागल तेरी खुशबू करे पागल। ऐसे में दिल पे कोई जोर चले न जानम, ऐसे में दिल पे कोई जोर चले न जानम। Me, me, me.
कुछ तुम्हें से कौन है? ये मैं ही हूँ। के वक्त मां गाड़ी लेकर बाहर चली गई, कहा कि जरूरी मीटिंग है। बहुत देर बाद वो वापस लौटी। प्रदीप, तुम सोए नहीं? नहीं। तू सो जा। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। और उसके बाद मम्मी डैडी का जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। आज तो तुम अपने क्लब के प्रोग्राम को अवॉइड कर सकती थी। तो उसमें हुआ क्या? पार्टी होने के बाद ही तुम्हें गई थी। जो भी हो, आजकल घूमना कुछ ज्यादा हो रहा है। घूमना फिरना? छी, शर्म नहीं आती है कहते हुए? शर्म वर्म जो कुछ बाकी रह गई है उसी की वजह से कह रहा हूं। मुझे चार लोगों को मुंह दिखाना है। लुक, लखपति नहीं हूं तो भी एक अच्छे खानदान में पैदा हुई हूं। वो तो तुम्हारे चाल चलन से ही पता चलता है। तुमने तो मुझ पर हमेशा ही शक किया है। आज की कोई नई बात नहीं है ये। शक है तो कोई उसकी खास वजह भी तो जरूर होगी। खास वजह वही जो हमेशा सुनाते रहे, या आज कोई नई ढूंढी है? बाल्टी, जब खुद पर ही भरोसा ना हो तो दूसरे पर भरोसा कैसे रह सकता है? बाल्टी, will you please shut up? You shut up, you started it. You slapped me. Stop it. Daddy, जाओ, जाके सो जाओ। Shame on you. तब से मुझे याद है, वो हमेशा झगड़ते रहते थे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते थे। मैंने कभी उन्हें प्यार से दो बातें करते नहीं देखा। घर की इस घुटन से बचने के लिए ही शायद डैडी ने मुझे इस बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कर दिया। और बहुत दूर है डैडी? बहुत बड़ा स्कूल है डैडी?
स्कूल का नाम क्या है? मैं भूल गया। वैली हिल बोर्डिंग स्कूल। वैली हिल बोर्डिंग स्कूल। वैली हिल बोर्डिंग स्कूल। वैली हिल बोर्डिंग स्कूल। एक रात वार्डन ने आकर बताया, एचएम ने बुलाया है। वहां पहुंचा तो अंकल खड़े थे। दोपहर हो गई घर पहुंचते पहुंचते। पिताजी को एक सफेद चादर उड़ाकर जमीन पर लिटाया हुआ था। मुझे पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, बाद में अंकल ने समझाया। तब से अंकल ही मेरी देखभाल करते हैं। कहाँ रहते हैं तुम्हारे अंकल? यहाँ सामने ही रहते हैं, चीफ हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ बोटैनिकल रिसर्च सेंटर में। फिर क्या प्रदीप, तुम हॉस्टल में रहते हो, अपने अंकल के साथ क्यों नहीं रहते? मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, अंकल अकेले हैं। एक दिन हम अंकल के वहां चलेंगे। हाँ, मेरी माँ भी मेरे बचपन में ही चल बसी थी, जानते हो, कैंसर था उन्हें। माँ के जाने से मैं अकेली हो गई। मैं तो हमेशा अकेला था। डेजी वार्डन गुस्सा करेगी। नहीं, चलो बाय बाय। जाओगी नहीं? आप पहले प्रदीप को जाते देखना है। पहले तुम जाओगी, मुझे डेजी को जाते देखना है। तो हम दोनों एक साथ जाते हैं। ठीक है। क्या है? क्या है? मैं एक बात बोलना भूल गई। और मैं एक चीज देना भूल गया। क्या? अपनी बात पहले बताओ, बाद में मैं दूंगा। रात को वहां एक तारा निकलता है। मैं रात को ठीक 9 बजे अपनी खिड़की से आज उस तारे को देखूंगी। वो क्यों? बोलती हूँ सुनो तो सही, कितने बुद्धू हो। रात को ठीक 9 बजे प्रदीप आज उस तारे को देखेगा। मैं प्रदीप को और प्रदीप मुझे सोचकर एक ही समय वही तारे को देखते रहेंगे। अच्छा लगेगा बहुत। हाँ, अब मुझे क्या देना भूल गए? तो लगता है ये ठीक नहीं हो पाएगा रवि। क्या? हमारी शादी। मालती, बहुत कंफ्यूज हो गई हो तुम, थोड़ा रेस्ट ले लो। ये बात नहीं है रवि, प्रदीप को देखने के बाद मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, प्रदीप और हमारी शादी में क्या संबंध? मैं एक माँ भी हूँ रवि, वो एक छोटा बच्चा होता तो कोई बात नहीं थी, और बड़ा होता तो मैं उसे समझा सकती थी, मगर अब तो ना वो छोटा है ना बड़ा, पहले ही वो अपने पिता को और अब माँ को भी खो देगा। So, we will still be friends, Ravi. Is that your final? I understand. कोई भी जरूरत हो, जब भी हो, मैं साथ हूँ।
क्या हुआ? मिस्टर रवि चले गए स्टेट्स के लिए, तुम्हें छोड़कर जाते हुए मेरा दिल नहीं माना। अच्छा, तो मैं क्या करूं? हम अपने गांव वापस लौट चलेंगे, वहां तुम्हारी माँ का पुराना घर अब भी है। नहीं आना मुझे। ऐसा ना कह, अब तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं, कोई नहीं है। जब मैं तेरी उम्र की थी तब सब थे मेरे, फिर सब चले गए। सबके जाने के बाद किसी के बिना जीना नहीं आऊंगा। कहा ना बेटा, ऐसा मत कह, गांव में अब अच्छे स्कूल हैं, हम चलेंगे। बेटे चली जाओ यहाँ से, और फिर कभी मत आना। तुझे आना है, आना ही होगा, मैंने तुझे जन्म दिया है। अगर तू नहीं आता तो मैं भी यहाँ से नहीं। Get lost and leave me alone. मुन्ना। Get lost. आंटी, आंटी प्रदीप रियली डजंट मीन इट। आंटी दुखी मत हो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मिस्टर रवि चले गए स्टेट्स के लिए, तुम्हें अकेले छोड़कर जाते हुए मेरा दिल नहीं माना। Get lost and leave me alone. अरे अंकल। हाँ, अर्जेंटली एक जगह जाना है। अब कहाँ? तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है। मैं नहीं आता प्रदीप। कुछ दिन पहले ही वो यहाँ कितना बड़ा तमाशा करके गई, गांव जाएंगे कहकर। वो स्टेट्स गया कहती थी, फ्रेंड्स के सामने भी अपमान हुआ मेरा। वो सब सोचने का वक्त नहीं है ये। प्रदीप मेरे साथ चलो। मैं नहीं आता प्रदीप। बचपन से मेरी उंगली पकड़कर तुम्हारी माँ ने चलना सीखा, मुझे वहां जाना ही है। मैं उसे अपने घर ले जा रहा हूं। तो फिर अब मैं वहां भी नहीं आऊंगा। वो तुम्हारी मर्जी है। जो भी हो, मालती तो उसकी मां है ना, मैं तो उसे बोलकर समझा नहीं सकता। डेजी, एक विधवा होकर बार बार यहां आना उसके बस का नहीं है। मालती ने जो अपना संबंध तोड़ा है सिर्फ अपने बेटे के लिए, आज उस औरत का इसके सिवा कोई नहीं है। बेटी तू ही समझा। मैं बोलूं तो? वो सुनेगा, तू कहे तो वो आज ही मानेगा। यू आर दी ओनली पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस हिम। डेजी प्लीज। प्रदीप नहीं आते बताओ, मैं जाऊंगी। नहीं। ये क्या बात हुई? जिसे माँ नहीं है वही माँ की कीमत जानता है। मुझे प्रदीप की माँ से मिलना है। बेचारी। नहीं जाना। कहा ना, जो भी हो, जिसे जन्म देने वाली माँ से प्यार नहीं है उसे मुझसे प्यार होगा, ये मैं कैसे विश्वास करूं? प्रदीप का ख्याल करके ही उसने दूसरी शादी नहीं की है, जानते हो? जाके ड्रेस चेंज करके आना, बेकार में जिद करके बैठा है। Thank you.
पैट्रिक शामू और नंदू दोपहर में ही चले गए। मैं भी चली जाऊंगी। वैकेशन से मुझे बहुत डर लगता है। मैं अकेला हो जाता हूँ, कोई बात करने के लिए नहीं मिलता। अब माँ के चले जाने से भी शाम होने को आई। चलो चलते हैं। और अब मुझे ड्रेसेस और बुक्स भी पैक करनी है। वहां पहुंचकर खत लिखेगी तू? जरूर, तुम जवाब भेजोगे ना? वो क्यों? कल से मैं रोज तुझे एक एक खत पोस्ट करूंगा, समझी? फिर जवाब कैसा? तुम कब लौटोगी? मैं लिखूंगी ना, रेलवे स्टेशन पर वेट करोगे? कितनी जल्दी वक्त गुजर रहा है। कितनी जल्दी। Thank you.
तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी, हमें आर्ट क्लास को जाना है, देर हो रही है। अरे इसको क्या हुआ है, आओ जरा। चलो देखते हैं। प्रदीप, तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है यार? कुछ नहीं। What happened to you? Mind your own business. डेजी, खत भेजोगी कहकर क्यों नहीं भेजा? डेजी, बात क्या है? What? डेजी, तुम बात क्यों नहीं करती? मैं बात करती रही हूँ। और कुछ नहीं, मुझे तुमसे बहुत बात करनी है। तुम्हें पता है मुझे कितना टेंशन महसूस हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो? प्रदीप, इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछो, प्लीज। गेट लॉस्ट। आज उस बास्टर्ड के कारण डेजी मुझसे बात नहीं करती। कौन? हर रोज जो उसे जीप में लाता है। डायनामाइट। जीप का फ्रंट व्हील या तो बैक व्हील, इस पर से तो जाएगा ही।
फिर जीप का कुछ नहीं बचेगा, पक्की बात। ये कमाल करेगा डायनामाइट। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आए महावीर जब नाम सुनावे। अच्छा इस बार मैं पाँव नहीं लगाऊंगा। अब भी मैंने हेडमास्टर को नहीं बताया तो मैं गधा हूँ। मैं गधा हूँ फिर। मैं गधे का गधा ही रहा। Look at that, that one, that small one. Oh. Yeah. Anibi. Mil gaya. Hey. 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 Kya hua? Try once. I'll succeed. हाँ, दो पाए? ये एक ही है। बताओ ना, दूसरा कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? Come on, tell me now. कहाँ है? बताओ ना, कहाँ है? नहीं मिलेगा। सर हमारी हेल्प कीजिए, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। किधर? उसे हॉस्पिटल ले जाना है। किधर है? यहीं पे। हाँ ये सर, इधर सर। और थोड़ा जोर लगा।
यू बास्टर्ड। टीसी मिलेगा, यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द स्कूल। मेरी देसी को तू देसी देसी कम 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 जानते हो मैं कौन? आई डोंट केयर। मैं डेसी का बड़ा भाई, हम एक ही माँ के बच्चे। व्हाट व्हाट अंकल? डोंट कॉल मी अंकल। आई एम नॉट दैट ओल्ड। सॉरी जेम्स। जेम्स नाउ टेल मी, मुझे मारने की क्या वजह है? आई एम क्या मुझे डेसी का लवर समझा? आई एम सॉरी बट व्हाट बट व्हाई डजंट शी टॉक टू मी? देखकर भी अनजान बन जाती है, एज इफ आई डोंट एग्जिस्ट। बाय, यू टेल मी बाय। वो तुम्हें दुख देना नहीं चाहती थी। हैव यू गॉट सम टाइम टू स्पेयर? यस। बचपन से उसे मुझसे ज्यादा लगाव था, सिर्फ एक भाई नहीं था उसके लिए मैं, माँ भाई दोस्त पिता भी मैं ही था, और आज भी ऐसा है। ऐसा कोई राज नहीं था वो मुझे ना बताती। स्मोक? नहीं, मैं नहीं पीता। मुझे आपके बारे में डेजी ने बताया था, पहले मैं पहचान ना पाया, इसलिए आई एम सॉरी। लव मीन्स नेवर हैविंग टू सी दैट यू आर सॉरी, जानते हो? नो। तेरे बारे में उसने मुझे बताया? डेजी ने बताया? टेल मी, डिड आई डू एनीथिंग टू हर्ट हर? फिर अचानक ऐसा बर्ताव क्यों? तेरी कोई गलती नहीं है, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? क्या? तेरी और डेसी की जो फ्रेंडशिप में तुम दोनों और करीब आए, तो जब जुदा होने का वक्त आएगा तो तू सह नहीं सकेगा। क्या? बिछड़ने का वक्त? नेवर, मैं तक जिंदा नहीं रहूंगा। तुम्हारी जिंदगी की आखिर तक वो साथ ना दे सकी तो? डॉक्टर? ओ यस, सो लिसन टू द डॉक्टर, देसी इज सफरिंग फ्रॉम ए टर्मिनल डिजीज। नो, इट कांट बी। नो, इट इज। ये जो वेकेशन में उसे बार बार सरदर्द होता रहा, एक दिन वो अचानक बेहोश होकर गिर गई, कोई वजह नहीं थी। चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गया तो पता चला ब्रेन ट्यूमर। वी डिड अ सीरीज ऑफ टेस्ट, कंफर्म मैलिग्नेंट। ओह माय गॉड, इज देयर नो केयर फॉर दिस? बहुत ही कम केसेस में सर्जरी काम आई है, बट द चांसेस आर रिमोट, वेरी रिमोट। वेकेशन से वापिस आने के बाद वो तुझसे दूर रहती थी, यही बात छिपाने के लिए, तुम्हें दुख न पहुंचे इसलिए। मैं जानता हूं तू बहुत प्यार करता है डेसी से, मुझे पता है, और उसे भी। डू यू बिलीव इन गॉड? यस। तो इस प्यार में तुम्हारा मुकाबला एक और आदमी से भी है। मुझसे मुकाबला करने? कौन? योर गॉड। सुना नहीं, वो जिसे ज्यादा प्यार करता है उसी को पहले बुला लेता है। यू मीन देयर इज नो होप एट ऑल? ये पूरी तरह बताने की ताकत हमें नहीं है। मैं तो ये बात प्रदीप मुझे बताया नहीं ना, मैं कौन हूं? मुझे क्यों बताओगी? हाँ, मत बताओ। ये क्या प्रदीप? व्हाट इज इट? व्हाट इज इट?
कैसे तुम मुझे प्यार नहीं करते, इसीलिए नहीं बताया ना। यू डोंट लव मी, आई नो दैट। व्हाई शुड एनीवन लव मी? आई ब्रिंग बैड लक टू एवरीवन। प्रदीप मेनन, विल यू प्लीज स्टॉप दैट एंड कम हियर? फर्स्ट यू टेल मी, भाई साहब ने सच कहा ना? कहा ना? सच है, मगर प्रदीप डरना नहीं, तुम्हें ये बीमारी लगने वाली नहीं है। डोंट डोंट टॉक लाइक दैट। देन कम हियर, कम टू मी। You think I don't like you? You think I don't love you? Huh? ये देखो। मेरी बीमारी के बारे में भैया ने बताया ना? हाँ वो सच है। मैंने अब तक ये बात प्रदीप तुम्हें कभी नहीं बताई, क्योंकि प्रदीप दुखी ना हो जाए। I didn't want you to lose everything. फिर भाई साहब ने बताया कि ये बीमारी ठीक होना मुश्किल है ना? You think I'm going to die? No, I won't let you. ऐसा नहीं होगा। मेरे भैया एक अच्छे डॉक्टर हैं। Others were also experts, but वो भी तो इंसान है ना, हम जैसे। ये सब फैसला करने वाला तो आई वॉन्ट टू लिव प्रदीप, मुझे जीना है। आई विल लिव। आई विल लिव। प्रदीप, क्या सोच रहे हो? नथिंग, यूं ही। यूं ही फिक्र करके बेकार में परेशान मत हो। सभी को जाना है एक दिन। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, ओके? लाइक व्हाट? लाइक हाँ, आज असेंबली हॉल में एक अच्छी फिल्म है। नहीं, मूड नहीं है। प्रदीप, क्या मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ इच्छाएं हैं, बताऊं? पूरी करोगे ना? क्यों नहीं, बताओ। वो तीन इच्छाएं हैं। That's all. पहली इच्छा बताऊं? मुझे जल्दी ही क्रिसमस मनाना है। मुझे सेंटा क्लॉस बनना है। अच्छा लगेगा, लेकिन क्रिसमस को तो कई महीने बाकी हैं। नो प्रॉब्लम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज शाम को हम क्रिसमस ईव मनाते हैं और कल क्रिसमस, ओके? La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Bye.
that's gone wrong, Christmas makes it right. The children are singing Christmas carols and everybody's holding hands. We've got that Christmassy feeling again. Singing joy to the world, and here comes Santa Claus. Mama's baking turkey, and Daddy's making popcorn balls, and Sister's hanging mistletoe. There's good will to all men. We've got that Christmassy feeling again. There's happiness in my heart with Christmas on its way. With the family all back together again, oh, what a happy day. I hope it snows and the north wind blows, my boy wants a little toy train. We've got that Christmassy feeling again. तोहफे के लिए शुक्रिया. It's so cute. उसे देखती हूँ तो तुम्हारी याद आती है. Oh, thank you. I know, you have a good taste. By the way, where is my gift? Oh my God. Thanks. इसे हर समय पहने रहना. याद मेरी जब भी आए इसे देखा करना. मेरी दूसरी विश बताओ. इसके दो हिस्से हैं, ए एंड बी. ए, एक लड़की की सबसे मनपसंद ड्रेस जो है मुझे चाहिए. बी, वो मैं फिर बताऊंगी. लड़की की मनपसंद ड्रेस लाना तो मुश्किल है, फिर भी एक चांस दोस्तों की मदद से लेता हूं. ओके. मैं अगर ये सब नापसंद कर दूं तो? सब नहीं. लड़कियों की फेवरेट ड्रेस क्या है तुम्हें नहीं पता? वो हमें कैसे पता होगा? मैं बताती हूँ, शादी का जोड़ा ही है एक लड़की की सबसे मनपसंद ड्रेस. समझ में आया? लेकिन डेजी तुम्हें क्यों ब्राइडल ड्रेस? मुझे प्रदीप मेनन से शादी करनी है. बट दैट्स इलीगल, वो तो गैर कानूनी है. प्यार में कानून का क्या काम? Who will marry us? That's easy. A Baptist. Oh, Good morning, Daisy Thomas. How do you feel now? Fantastic. Thanks. और एक बात, it's Daisy Menon, okay? Oh, sorry. हाँ, फिर एक बात है, ये सिर्फ हमारे बीच का संबंध नहीं है. चार लोगों के सामने बहुत कुछ कबूल किया है. I do, I do, I do. जो तीन बार कहा याद है ना? ऐसी क्या बात है? I still do, still do, still do. प्रदीप. क्या? कुछ नहीं.
मैं कल जा रही हूँ। जाकर लौटोगे कब? कभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो उसके बाद ही आ सकूंगी। हाँ, तीसरी ख्वाहिश तुमने बताई नहीं। वो फिर बताऊंगी। वो फिर क्यों? वो जरा मुश्किल काम है, कभी उसे तुम पूरा नहीं कर पाए तो। यो विश। और मेरे आने तक अपना ख्याल रखना। ठीक। मेरी रीता, बाय। थॉमस, इसमें बॉम्ब तो नहीं है? पेट्रिक, गो सेफ, बाय। जा रही हूँ मास्टर जी। गॉड ब्लेस यू, यू विल बी ऑल राइट। थैंक यू। मैं चलती हूँ।
से करूं मैं तेजी प्रदीप। चल पूछते हैं। एनी न्यूज? वो लोग आ रहे हैं, भाई साहब का टेलीग्राम है। और कुछ नहीं है, अराइवल दिया हुआ है। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ होगा, लेट्स होप सो। यही बात होगी, प्रदीप अपसेट ना हो ये सोचकर उन्होंने ऑपरेशन की बात नहीं लिखी हो। लेकिन भाई साहब ने तो पक्का कहा था। फिर भी ओके होगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, डेजी जरूर वापस लौटेगी, आई एम श्योर। हमारी प्रार्थनाओं का कुछ तो असर होगा ना प्रदीप। ऑपरेशन पोस्टपोन किया है, तू बाद में आना।
बाद में आएगा। हम चले, रेस्ट लेना। भाई साहब, हाउ आर यू? फाइन। वो ऑपरेशन पोस्टपोन क्यों किया? वो जनरल हेल्थ हैज इंप्रूव, बीपी, एनीमिया, वहीं पर रेस्ट लेने के लिए डॉक्टर ने कहा था। मैंने भी समझाया, लेकिन ये सुने तो ना, वापिस आने की जिद करने लगी। ये ऑपरेशन बहुत रिस्की है, यही है ना फैक्ट? वी हैव टू फेस द फैक्ट्स, व्हाट यू से? हाँ सर्जन, क्या कहा? वो ऐसे बहुत ऑपरेशन कर चुका है ना, उसे तो होप है ना? बिल्कुल ही होपलेस केसेस कभी कभी मिराक्लेसली ठीक हुआ है। हो सकता है शायद हम कुछ नहीं कह सकते। आ बैठ, बैठ। मिराकल, यहां पर भी एक मिराकल होगा। हे भगवान। हंसता खेलता आदमी भी अचानक दम तोड़ देता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। I've seen it. Yeah. जीवन की नैया कब डूब जाए किसे पता। प्रार्थनाओं का फल नहीं मिलता? हो सकता है। मेडिकल साइंस ही एक अल्टीमेट है, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। प्रार्थना से पिता ने बेटे की बीमारी खुद पल ली, मुगल हिस्ट्री में है। हाँ, उसी तरह। That's history, my boy. Let's hope for the best. तूने कुछ कहा? कुछ नहीं चाहिए। मैं वो अभी सोई है। नहीं, मैं उठाऊंगा नहीं, सिर्फ एक बार देखने दो। Go. कैटवेल डेजी, कैटवेल। देखने आए हैं यूं ही। अब रेस्ट ले लो, हम बाद में आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। रेस्ट, रेस्ट, रेस्ट। मैं तो बोर हो चुकी हूँ। हाँ फिर नई खबर क्या है? अरे अपने पैट्रिक का तो कुछ नया ही अफेयर शुरू हो गया। कुछ नहीं, घर के पास रहती है इसलिए बात कर रही थी। घर के पास जा जा, वो तो मेरी पड़ोसन है। वहाँ तेरा कौन सा घर है? साला हमें वो लुभा रहा है, देखो तो। मिस ने हेयर स्टाइल बदली है, अब देखना। बॉम्ब का प्रोग्राम कैसा है थॉमस? वाह बन किया। हाय प्रदीप। हाँ सब मिलिए ना, अब सब लोग घर जाओ। डेजी गो एंड रेस्ट। ओ यस डॉक्टर। सॉरी डॉक्टर। बाय बाय। आया डॉक्टर। सोते वक्त रूम में आकर बहुत देर खड़े थे, है ना? भाई साहब ने बताया? किसी ने नहीं बताया। आई कुड सेंस इट, आई न्यू इट।
यहाँ आने पर आई फील ओके। वो हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर। वापस आऊंगी मैंने कहा था ना, तब विश्वास नहीं हुआ। अभी व्हाई? ओ मैं फिर से वहीं चली जाऊंगी, यही तुम सोच रहे हो ना? डोंट वरी, मरने की मुझे इच्छा नहीं है, नहीं मरूंगी। मौत डेजी को हरा नहीं सकेगी, सच प्रदीप। आई रिफ्यूज टू डाई। लेकिन प्रदीप, प्रदीप मुझे तुम्हारा साथ मिले तो मैं बिल्कुल नहीं हारूंगी। टेल मी, क्या चाहिए? जो भी हो मांगो। बताऊंगी बाद में। एनीथिंग, एनीथिंग यू से। मैं बताती हूँ ना, बाद में। ये दवाइयां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जरूरी है ना, भाई साहब ने बताया। सो कंप्लीट रेस्ट। उससे मेरा जो नुकसान हो रहा है वो भाई साहब को नहीं पता। कलर्स, फैंटास्टिक कलर्स एंड ड्रीम्स। मेरे सब अच्छे अच्छे कलरफुल सपनों को ये लोग ब्लैकआउट कर रहे हैं। प्रदीप, एक बार मैंने एक सपना देखा था, वो कहूं तो? नो, इट वाज नॉटी। बोलो ना, मुझसे ही तो है, बोलो ना। नो। देख, यही से एक ने छलांग मारी, लेकिन वो क्या, पैर तोड़े व्हीलचेयर में पड़ा है।
मरने के लिए भी अकल होनी चाहिए गधे। देसी की कही हुई एक बात तुम्हें कहना बाकी है, वही कहने के लिए आया, फिर जाओ तो मर जाओ। देसी की तीसरी ख्वाहिश, थर्ड विश, सुनेगा? हाँ, कम प्लीज टेल मी। You don't deserve to hear it because you don't deserve Desi. Please. You bloody coward! Philosophy of Dr. James. Maut ko maut se nahi jeeta jata. Jeene se hi jeet sakta hai. Ye Desi ko pata tha. Woh yehi kehti thi. You know something? देसी मरी नहीं है, यहां यहां तेरी हर सांस में बसी हुई है वो, यही उसका कहना था। एंड नाउ यू वांट टू किल हर, किल माय सिस्टर फॉरएवर, गो एट। मैं नहीं मरूंगी बड़े भैया, नहीं मरूंगी मैं, नहीं मरूंगी। नजरों के सामने मैं ना रही तो भी, नजरों के सामने ना रही तो भी मैं आपके पास ही होंगी, मैं आपके पास ही होंगी। पता है आपको मुझे कहाँ ढूंढना है? पता है मुझे आपको कहाँ ढूंढना है। जोरों से हंसने लगी। You know she laughs. भैया तुम मुझे रोज देख सकते हो, भैया तुम मुझे रोज देख सकते हो। प्रदीप के मन में, प्रदीप के मन में, चेहरे में, चेहरे में, और फिर मेरे गोद में आके गिर गई, जोर से रोने लगी। मेरी प्यारी बहन, मेरी देसी, तुम्हारी देसी, तो तू इसे फिर से मारना चाहता है। मुझे कहना था जो कह दिया, फैसला तेरे हाथ में है। No! No! My son! No! You want to see life? Life!